शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। आओ आओ गोवर्धन आओ। साला कमाल का फिक्स कर दिया आपने उस मिनिस्टर को, हा? अपनी बोतल में उतार दिया। अखा इंडिया का फटाका बनाने का लाइसेंस मिल गया। अब इन फटाकों के आड़ में अपना बारूद हथियार बनेगा। साला अपुन के लिए हर रात दिवाली की रात होगी। ये तो हमारी जगमगाती सल्तनत का एक छोटा सा दिया है गोवर्धन। बहुत सी रंगीन दिवालियां तो अभी हमने मनानी है। आखिर हम सिकंदर के वारिस जो ठहरे, अब हम लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, बिल्कुल सफेद पोश के माफिक। कॉमन सेंस की बात है, पीठ पर लगे छींटे खुद को नजर नहीं आते। आज का अखबार पढ़ा? क्यों पीताम्बर, कोई अच्छी खबर है? हाँ, एक और अच्छी खबर है। वो जर्नलिस्ट बलजीत परमार अपनी कलम से हम सबका पर्दाफाश करने पर उतर आया है। लिखता है गजराज चौधरी मौत का सौदागर है, नशीली दवाइयां नाजायज हथियार बेचने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही? अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, कलम की ताकत को शायद आप नहीं जानते। अपनी पे उतरा है तो तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। बोलो तो, अब भी फिक्स कर देता हूँ साले को। शांत गोवर्धन शांत, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। गजन करण, तूने कुछ देखा? साहब बाल्टी लेकर नल पर मैं पानी लेने गया, इधर लफड़ा बढ़ गया, डर के मारे उधर ही छुप गया साहब। हमने कुछ नहीं देखा साहब। तूने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब। किसी ने कुछ नहीं देखा? मैंने देखा है उसे। पापा, आप क्यों इस मुसीबत में पड़ना चाहते हैं? बेटा, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। एक्सक्यूज मी, तो आप शनाख्त करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं? मुझे किसी का डर नहीं इंस्पेक्टर, और फिर आप भी तो हैं। राइट, आप कल पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। आई विल वेट फॉर यू। बेटे, जब तू छोटी बच्ची थी ना, तो तेरी माँ ने एक मेरे खिलाफ गवाही देगा? चांदनी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले तू अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। Oh.
कुछ चाहिए? बेटा प्लीज बिल्कुल नहीं रोना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, घबराना नहीं बेटा प्लीज, बिल्कुल घबराना नहीं। श्रीनिवास जी, उस गुंडे ने मेरी काजल का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल नहीं कर रखा, बल्कि अब तो घर के आंगन में ही घुसाया है। इससे पहले कि इत्तेजा मेरी नन्ही कली को छुए, इसे बेअसर करना ही होगा। सिद्धांत बाबू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पुलिस स्टेशन में फोन कर देता हूँ, वो उस गुंडे को बुलाकर समझा देंगे। साहब ले आए उसे। तो तू है, बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का, दिख रहा है। एक बार ये फिर गया ना तो चमड़ी का रोम रोम भारत माता की जय बोलेगा, समझा क्या? तेरे जैसों का जुग्राफिया मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, चोरी डकैती दंगा फसाद तो करते ही थे, अब शरीफ लड़कियों का पीछा भी करने लगे। मैं लिखता हूं तेरा प्रेम पत्र, क्या नाम है तेरा? करण। बाप का नाम? सांप क्यों सूंघ गया हरामी, बाप का नाम? मालूम नहीं। मां का नाम? मालूम नहीं। कोई हैरानी नहीं, आखिर तेरे जैसों के कितने बाप होंगे, खुद तेरी मां को भी मालूम नहीं होगा। आखिर तू ठहरा कंधे कटर की कंधी पैदाइश। पुलिस पर हाथ उठाया तूने,